Welcome to the YouTube channel of Modern Shrines. Today we have with us Mr. Rahul Sharma, who is a national executive member of Bharatiya Janata Yuva Morcha, and he is also the Orissa co-in-charge. Thank you very much for having you in our show. Sharma ji, मैं जानना चाहता हूँ ये भारतीय जनता युवा मोर्चा जो 1978 में स्थापित हुआ था, ये एक्चुअली क्या है, इसके मेन मुद्दे क्या हैं, व्हाट आर द मेन आइडियोलॉजीज? जो हमारा यूथ विंग है, बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं यूथ के लिए. ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूथ को पॉलिटिक्स में आना है उनको जोड़ने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया पार्टी ने. जब हमारी पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी बॉम्बे के अंदर, अटल जी फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट बने बीजेपी के, और कलराज मिश्रा को यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और आज पूरा महाजन हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है. तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूथ हैं उसको पॉलिटिक्स में कैसे लाया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए, उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने जितने भी हमारा पास्ट रहा है, अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसे बता के राष्ट्रवाद की ओर कैसे ले जाया जाए. और जो हमारी सोच है हमारी पार्टी की अंत्योदय, मतलब विकास के पाए में किस लाइन में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक विकास कैसे पहुँचे, उस सबको पहुँचाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. यूथ विंग का सारा मेन फोकस होता है कि सरकार की जितनी भी योजना है जनता को बताया जाए, और यूथ मेन फोकस है कि यूथ को एक्टिव पॉलिटिक्स में कैसे लाया जाए, और एक उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने आप को अगर पॉलिटिक्स में लाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े और काम कर सके. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, इस समय आप मानिए कि कई ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो युवा मोर्चा में मेम्बर हुआ करते थे, युवा मोर्चा में काम करते थे. आप अमित शाह जी हो गए, प्रकाश जावड़ेकर हो गए, पीयूष गोयल हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, उमा भारती हो गई, ऐसे कई लोग हैं जो आज इंडिया की टॉप मोस्ट लीडरशिप में हैं, जो युवा मोर्चा के मेंबर रहे हैं या किसी ना किसी पोस्ट में काम करते हैं. तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में अच्छा काम करना है, कुछ चाहते हैं, कंट्री के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रोवाइड कराता है. क्या BJYM का मेन मुद्दा है कि यूथ को पार्टी में BJP में कैसे लाया जाए, या उसके अलावा भी यूथ के किसी प्रॉब्लम्स को फोकस करते नहीं? ये तो है ही है कि यूथ को कैसे एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ यूथ की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हम हर 6 महीने में या साल भर के ऊपर अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं. अभी जैसे सेवा सप्ताह चल रहा है मोदी जी के लिए, उसके अंदर हम सेवा के कार्य कर रहे हैं. अभी हमने एक ब्लड डोनेशन ड्राइव लिया है ऑल ओवर इंडिया, इसके अंदर जो कोविड में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम चाहते थे कि युवा मोर्चा क्या करे जो हम सपोर्ट कर सके ज़रूरत लोगों को, तो हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया. उसके बाद हमने ऑल ओवर इंडिया ही हमने एक सफाई अभियान चलाया ताकि जहाँ जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं. और ऐसे ही हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं. अगर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, हम जॉब फेयर भी लगाते हैं. ऐसी कई MNCs को बुलाएंगे और एक एरिया डिसाइड कर लेंगे. जैसे दिल्ली में हम लोगों ने कई बार जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज करा है ताकि यूथ आए और कंपनीज आए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें हम वहाँ पर आके, जो कंपनी हायर करना चाहती है लोगों को वो वहाँ पर उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है. खेलो भारत के माध्यम से हम चाहते हैं कि जितना इंडिया के अंदर टैलेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, वो अच्छे से अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ग्रासरूट लेवल से निकल के आए और वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें. तो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हम नहीं करते कि सिर्फ पॉलिटिक्स में एक्टिव करना है, नहीं, हम उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो ECA किसी भी एक्टिविटीज़ में हो, हम चाहते हैं जो हमारा यूथ है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर एक चीज़ में. तो हमारा प्राइम फोकस वहीं पर रहता है. ये भारतीय जनता युवा मोर्चा और ABVP में कुछ कनेक्शन है, क्या फ़र्क है? नहीं देखिए, ABVP एक अलग विंग है. ABVP अलग काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए. उसका काम होता है जो कॉलेज लेवल से स्टूडेंट निकल रहे हैं या स्कूल लेवल से निकल रहे हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ना, राष्ट्रवाद के बारे में बताना, स्वामी विवेकानंद की जो आइडियोलॉजी है उनको तब से डालना उनके अंदर, क्या स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे, वो भारत को किस दृष्टिकोण से देखते थे, तो उसके लिए ABVP काम कर रहा है वहाँ से. और जब आप कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है उसके बाद जो आप जब आते हो अपने 21 ईयर्स के बाद, उसमें लोग हमारे साथ आते हैं, यूथ विंग ज्वाइन करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं. वहाँ से हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कैसे हम यूथ को इन्वॉल्व करें, क्या प्रोग्राम उन्हें दिखाएं, क्या आइडियोलॉजी हमारी होगी उन्हें समझाना. तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग विंग्स काम कर रही हैं. हम लोग पोस्ट 21 हम लोग लेते हैं लोगों को. ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज लेवल से या स्कूल लेवल से हमसे नहीं जुड़ सकते,
वहाँ से भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विद्यार्थी परिषद अपना काम कर रहा है, और उसके बाद जब आप वोट डालने लायक हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। और हम लोग विद्यार्थी परिषद के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, विद्यार्थी परिषद हमारे काम में काम हस्तक्षेप नहीं करता, वो अपना काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं यूथ के लिए। एक और मुद्दा हमारे सामने आज आप देखते हैं कि काफ़ी सारी बातें JNU के बारे में आ रही हैं, लोग PhD करते हैं, 30-30, 40-40 साल तक वो JNU में ही रहते हैं, इसका क्या रीज़न है? क्या JNU में भी व्हाट यू कॉल ABVP है या BJYM है? नहीं देखिए, कॉलेज लेवल पे सॉरी टू इंटरप्ट, जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स आती हैं आपके जामिया और JNU से आती हैं। देखिए, वहाँ पर JNU के अंदर विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ABP ही काम कर रहा है, वहाँ पर युवा मोर्चा हमारा काम नहीं, क्योंकि कॉलेज पॉलिटिक्स में, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में ABP इन्वॉल्व है, और उसी के पैनल पे इलेक्शन होता है। JNU में ABVP ही इलेक्शन अपना ग्रुप लड़ाती है और वही इलेक्शन लड़ता है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि JNU की जो विचारधारा है, कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पे काम कर रही है। कन्हैया कुमार वहाँ जब प्रेजिडेंट हुआ करते थे, या वहाँ शैला रशीद हुआ करती थी, या जितने भी उमर खालिद लोग हैं, वो आप देखिए कैसे कैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जुडिशियल किलिंग ऑफ जिन्होंने उस पर अटैक किया था पार्लियामेंट के ऊपर, अफजल गुरु, उसके लिए वो कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके लिए तारीफों में काम करते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब उनको इंडियन डेमोक्रेसी पर भरोसा ही नहीं है। उनको जो सज़ा दी थी, उनको जो सुप्रीम कोर्ट से उनको फांसी का ऑर्डर हुआ था, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? और वहाँ पर कुछ टाइम बाद वहाँ पर बात करते हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, जिस तरीके के नारे वहाँ लगाए जाते हैं, वो दिखाता है कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा कितने एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के साथ काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा CA और NRC के प्रोटेस्ट के लिए कितने ज़्यादा JME जामिया वाले और JNU वाले कितने सड़कों पे होता है, लोगों को गलत तरीके से बरगलाया इन लोगों को, उन लोगों को पता ही नहीं था कि NRC और CAA है क्या। तो एक कम्युनिटी के अंदर डर पैदा करना इन लोगों का काम हो गया है, देश तोड़ना इन लोगों का काम हो गया है। ये चाहते हैं कि देश को कई टुकड़ों में बांटा जाए, ताकि राष्ट्र एक साथ आएगा तो कहीं ना कहीं भारत मजबूत होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी एक इमेज है, उसको ये ख़राब करना चाहते हैं। इसी के लिए ये JNU के जितने भी ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनका जितना भी ये ISA हो जाए या ASF जिनके स्टूडेंट्स विंग्स हैं, ये सारे उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेन जो स्टूडेंट विंग जो अभी तक चलता है, दैट इज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन वहाँ पे अलग अलग उनके कम्युनिस्टों के SFI हैं, वो बहुत सारे अलग अलग लड़ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन बेसिकली हम तो राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, वहाँ विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है, और विद्यार्थी परिषद बार बार एक बात करता है कि हम लोग भारत के लिए बात करेंगे, हम कहीं भी हो एक तिरंगा और एक निशान की हम बात करते हैं। 370 को आपने हटाकर, मोदी जी ने हटाकर, BJP गवर्नमेंट ने हटाया, आप इंडियन हैं और आप कश्मीर में तिरंगा नहीं लगा सकते, कैसे पॉसिबल था? और इस चीज़ का सपोर्ट करने के लिए ये लोग ये जितने भी कम्युनिस्ट हैं वहाँ पहुँच जाया करते थे, कश्मीरियों को भड़काया करते थे कि आप इंडिया के अगेंस्ट बात कीजिए। आज देखिए लगभग एक साल से ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर, और कोई बहुत शांति है, लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं। अब वहाँ पर लोगों को डोमिसाइल मिल रहा है, जम्मू के लोगों को जो वहाँ पर कश्मीर में काम नहीं कर पाते थे, उन लोगों को रेजिडेंशियल मिल रही है, जॉब मिल रही है, तो वहाँ पर आज प्रॉस्पेरिटी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया जो कभी 70 साल में नहीं हो पाया था। तो हमारी पार्टी की क्लियर फंडा है कि हमारी BJP गवर्नमेंट और मोदी जी एक ही चीज़ चाहते हैं कि भारत को विश्वगुरु कैसे बनाया जाए, भारत की जो पावर है उसे कैसे अच्छी तरह यूज़ किया सकता है, और विकास विकास और विकास, मोदी जी सिर्फ एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया जाएगा। एक और मुद्दा जो आज हमारे देश के सामने है, मोदी जी ने भी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जब ये कम्युनिस्ट स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट रही थी, और कम्युनिस्ट जैसे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने हमारे इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ को ट्विस्ट करके हमारे यूथ के सामने लाए। मुझे भी नहीं पता कि मैंने कभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स या उससे पुराना जो टाइम था, कभी हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा हो, हमें पता ही नहीं है। करेक्ट, हमें हमारा इतना गौरवशाली इतिहास जो है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसा, जब हम लोग उस समय पढ़ा रहे थे 2nd century में, जब लोगों के पास कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, ऑल ओवर इंडिया में गुरुकुल चला करते थे, वहाँ पर लोगों को बताया ही नहीं गया नालंदा में क्या हुआ, कैसे मुगल्स आए, कैसे मुगल्स को पढ़ाया गया। आपको अकबर महान था, आपको अकबर महान तो पता होगा, महाराणा प्रताप आपको पता ही नहीं क्या? महाराणा प्रताप ने कितना संघर्ष करके बचाया रखा, पृथ्वीराज चौहान ने कितना संघर्ष किया, कितने दारा शिकोह ने को बारे में तो पढ़ा रहे हो, लेकिन आप जितने हमारे पुराने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स या पुराने राजा महाराजा रहे, उनके बारे में कहीं इतिहास में लिखा ही नहीं जा रहा, हम भूल रहे थे। तो कम से कम ये एजुकेशन पॉलिसी
मुझे लगता है इस बात को श्योर करेगी कि जितना हमारा इतिहास है उसको अच्छे तरीके से बताया जाए और एक कंपटीशन लेवल हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, स्पेन जितने भी लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स वहाँ तक कम्पीट कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और निशंक जी ने बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी इस बार इंट्रोड्यूस की है, तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी थी। पिछले हफ्ते मेरी बात हुई थी डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, तो उन्होंने कहा ये नई शिक्षा नीति जो है एक हर बच्चे को एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से बनाना चाहती है। अभी क्या है, कोई बीटेक 4 साल का करता है लेकिन किसी वजह से अगर वो छूट जाता है या फिनेंशियली या ड्यू टू मेडिकल रीज़न, मतलब 12th के बाद करते हो और आपका 3 साल में छूट जाता है, तो ही इज़ जस्ट क्वालिफाइड एज 12th पास। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर वो 1 साल कम्प्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करता है उसको अलग सर्टिफाइड किया जाएगा, अगर कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो हर लेवल में एक इवैल्यूएशन होता है, उसका जो जितना पड़ा है वो वेस्ट नहीं जाता। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि हमारा एक कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपका जो आपको कैसे स्टूडेंट्स को स्किल्ड करोगे, तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी तो लाई रही। इससे साथ जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आया था उसके साथ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग चलाया गवर्नमेंट ने। उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या था, अगर मैं एक अच्छा वेल्डर हूँ तो मुझे वेल्डिंग के बारे में बताया जाएगा, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ तो मुझे आर्टिस्ट जो मुझे करना चाहता हूँ मुझे वो बनाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स को सेटअप किया गया, उन सेंटर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज़ें सिखाई गई कि आपकी स्किल को और ज़्यादा अपग्रेड कैसे किया जा सकता है। तो मोदी गवर्नमेंट का फोकस टोटली है कि आपको जो आपको स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कर जो चाहिए कॉम्पिटिशन में लाने के लिए, आपके पास मैन पावर तो बहुत ज़्यादा है बट स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो प्राइम फोकस है इस समय प्राइम मिनिस्टर का हमारे कि आपको स्किल्ड मैन पावर कैसे प्रोवाइड की जाएगी और स्किल्ड लोग कैसे लाएंगे, तो वो एजुकेशन पॉलिसीज़ के भी थ्रू भी लाए हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी मोदी जी का लगातार वो काम कर रहे हैं। राहुल जी, और कुछ आप हमारे देश के यूथ के बारे में, जिस तरह से हमारा यूथ जो बढ़ रहा है वो, उसको कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यूथ को अगर कोई कुछ करना चाहता है तो पहले तो एकदम माइंड में ये सोच के चले कि हाँ मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। लाइक अर्जुन की तरह, अर्जुन को पता था कि मेरा जो एम है वो सिर्फ मछली की आँख है, और हार्डवर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। उसके अलावा कुछ नहीं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, या कोई भी फील्ड हो, आप चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, आप हार्डवर्क करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो आज के टाइम पे लोग या यूथ चला गया है, जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्शन हो गया है। Correct. अलग अलग तरह का एडिक्शन आप आ गया है। आजकल हम सोशल वर्ल्ड में इतना हो चुके हैं कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टीवी, इन सब में हम बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अगर आपको अपने आप को जानना है तो आपको एक कुटुंब परिवार, जो हमारा पुराना टाइम हुआ करता था, पूरा परिवार बैठ के एक साथ खाना खाया करता था, बातें एक्सचेंज किया करता था, क्या करना है, कैसे करना है, उसको परिवार में बैठ के ही करना पड़ेगा। और वो बहुत ज़रूरी है, हमारा कल्चर है उस तरह का कि हम लोग अपने परिवार के साथ बैठें, बात करें। लेकिन आज का यूथ कहीं ना कहीं मोबाइल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि वो चीज़ें हो गया, और दूसरा ड्रग्स की एडिक्शन लग गई है, तो ड्रग्स लेने लग गया, तो उससे कहीं ना कहीं आप एम से भटक रहे हो, आप एम की तरफ नहीं जा रहे। तो आपको इन चीज़ों से हटके सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में क्लियर करना है कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ और आई कैन डू दिस। अगर वो इस चीज़ को लेके चलेगा तो मुझे श्योर है कि हमारा यूथ के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आज भी आप अमेरिका में देखेंगे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडियंस हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स इंडियंस हैं, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं। उन कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ क्या करना होता है, आपको गवर्नमेंट को उन्हें वो प्लेटफॉर्म उन चीज़ों प्रोवाइड कराना है कि जहाँ से उनका टैलेंट बाहर आ सके। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फोकस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पर मुझे श्योर हूँ कि मोदी जी की लीडरशिप में आप मान के चलिएगा कि आज भारत जहाँ है, कुछ टाइम बाद, आने वाले 5-7 साल बाद, वर्ल्ड लीडर्स इंडिया कहलाएगा, विश्व गुरु भारत ही होगा। सो दैट मीन्स वी ऑल बिलीव दैट एनी स्टूडेंट फ्रॉम द यूथ हैज़ टू हैव अ विजन, ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट। डेफिनेटली, अगर आपके पास विजन नहीं होगा तो आप चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन में जाना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट में आना, मैं कहाँ जाऊँ, एटलीस्ट मेरे पास एक विज़न पहले क्लियर होना चाहिए। उस विज़न को अचीव करने के लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क ही मुझे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा।
ये नहीं है कि हो सकता है कि शायद कोई आईएएस बनना चाहता है क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, हो सकता है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपसे शायद जो कर गया क्वालिफाई वो शायद आपसे एक अच्छा थोड़ा सा क्वालिफाई करने लायक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने एफर्ट नहीं दिए। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए सेकंड टाइम में करेंगे तो कंसिस्टेंसी लेवल मेंटेन होनी चाहिए और कभी ना हार नहीं माननी चाहिए। सीखना है तो भगवान राम से सीखें। जिस व्यक्ति को राजा बनने थे, सम्राट पूरे भारत का पूरे देश का राजा बनने वाले थे, पूरे जिनकी सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती, उन्हें 14 साल का वनवास मिला और वो बहुत धैर्य के साथ अपने माता पिता से आज्ञा लेके गए और उन्होंने चीज़ों को करा ऐसा कि उन्होंने दिखाया कि एक आदमी किस तरीके से चीज़ों को कर सकता है। भगवान हनुमान जी के अंदर उन्होंने वो जगाया कि नहीं आप लंका जा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। अंगद के उन्होंने पावर लेके आए, सुग्रीव को उन्होंने समझाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो यूथ से और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें गीता से और रामायण से सीखनी चाहिए। हम वहाँ से सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। तो नॉट फॉर हिंदू ग्रंथ है इसलिए पढ़ना चाहिए, अपनी अपब्रिंगिंग अपने ग्रूमिंग के लिए भी हमें रामायण महाभारत ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं तो यूथ से ये भी कहूँगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शर्मा फॉर बीइंग इन आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।